तो इस साल जल्लीकट्टू को ऑस्कर्स के लिए भेजा गया है और ये मूवी वहाँ पे नॉमिनेट भी हो गई है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी वो थी कि ये मूवी बॉलीवुड की नहीं थी। आपको पता ही होगा पिछले साल गली बॉय गई थी और वो पता नहीं जाने लायक थी या नहीं, पर इस साल जल्लीकट्टू गई है। और हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि क्या ये उस लायक है कि ऑस्कर्स पे जीत पाए या नहीं जीत पाए, तो आओ उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो पर्सनली मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई और उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसे इसमें एक्टर्स ने एक्टिंग बहुत ही बढ़िया की है और डायरेक्टर ने भी अपना काम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया किया है और इसकी सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुझे इस मूवी का डायरेक्शन कैसा लगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मुझे इस मूवी का डायरेक्शन काफ़ी पसंद आया, क्योंकि जिस तरीके का डायरेक्शन इस मूवी में है वो आपको इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं करते हुए दिखाई देंगे। तो जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी थी वो थी दो चीज़ें। पहले तो था इसका लॉन्ग टेक इन शॉट जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब कैमरा एक इंसान से दूसरे इंसान को फॉलो करने लगता है या फिर कब कैमरा कट हो जाता है। और दूसरा है इसका कुछ ऐसे शॉट्स जो बिना ही कुछ बोले बहुत कुछ बोल जाते हैं। ऑफ कोर्स एज अ व्यूअर वो आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को समझ पाते हैं या नहीं। जैसे कि ये सीन जहाँ पे भैंस और इंसान के पैर का निशान एक ही फ्रेम पे होता है, या फिर ये सीन जहाँ पे ये लोग मीट खाते तो हैं पर चर्च में ले जाने से घबराते हैं। और भी ऐसे कई सारे सीन होंगे इस मूवी में। और मुझे एक और बात जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी थी वो थी कि इस डायरेक्टर ने एक ही सीन पे भैंस को कंट्रोल किया और सारे इतने सारे लोग थे वहाँ पे उन सबको मतलब परफेक्ट एक्टिंग करने पे मजबूर कर दिया। वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ऑफ कोर्स ये चीज़ एक्टर्स के ऊपर भी होती है बट डायरेक्टर ने बहुत ही बढ़िया डायरेक्टिंग की है। मतलब एक भैंस को और इतनी सारी भीड़ को कंट्रोल करने के बाद इतनी बढ़िया मूवी बनाना कोई आसान बात नहीं है यार, और इसके लिए हम लोगों को डायरेक्टर की तारीफ करनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी में एक्टिंग की। तो इस मूवी में एक्टर्स आपको कहीं भी ये फील नहीं होने देंगे कि इस मूवी में एक्टिंग चल रही है। मतलब इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब एक्टिंग की गई है और कहीं पे आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं या एक रियलिटी है। मतलब आप इस मूवी से कोई भी सीन उठा लो, कोई भी सीन, और आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं आएगा कि इस मूवी में कोई भी एक्टिंग कर रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा रियल एक्टिंग है, चाहे वो इस पुलिस वाले से बहस वाला सीन हो या फिर इस जंगल में दौड़ने वाला सीन या फिर यहाँ से भैंस निकालने वाला सीन या फिर जब ये घर के पास आया होता है वो वाला सीन। मतलब सारे ही सीन बहुत ही ज़्यादा रियल थे। ऑफ कोर्स इसमें एक्टर्स ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, भले ही वो एक सपोर्टिंग एक्टर ही क्यों ना हो। मतलब आप ये वाला सीन उठा के देख लीजिए और आपको ये सीन बिल्कुल भी फेक नहीं लगेगा। तो पहले मैं इस मूवी का ब्रेकडाउन करने वाला था पर मुझसे पहले ही इस मूवी पे काफ़ी लोगों ने वीडियो बना डाली, और अगर मैं इस पे वीडियो बना देता तो आप लोग कमेंट पे गालियाँ फेंकने लगते और कॉपी का टैग चढ़ा देते, तो मैंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो मेरे मन में थी। तो मेरे ख्याल से इस मूवी का डायरेक्टर हम लोगों को ये नहीं दिखाना चाहता था कि इंसान भी एक जानवर है, बल्कि हम लोगों को ये दिखाना चाहता था कि इंसान जब अपने पे ले लेता है ना और जब उसकी ईगो पे बन आती है तो वो किसी भी जानवर से बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जैसे कि आप ये आखिरी वाला सीन देख सकते हैं, मतलब मैं चला तो नहीं सकता हूँ पर उसकी इमेज देख सकते हैं। तो मैं एक वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख के इसका ब्रेकडाउन समझ सकते हैं, और मैंने भी उसकी वीडियो देख ली थी पहले ही तो इसीलिए मैंने शायद नहीं बनाया। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि क्या ये मूवी ऑस्कर्स को जीतने के लायक है। तो भाई मैं इसका एक सिंपल सा आंसर देना चाहूँगा कि भाई मुझे नहीं पता कि ये मूवी ऑस्कर्स जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, क्योंकि भाई मैं वहाँ पे बैठ कर जज नहीं करने वाला हूँ इस मूवी को। वो लोग कोई और लोग होंगे और मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता है कि दूसरी कंट्रीज़ ने कौन कौन सी मूवीज़ भेजी है ऑस्कर्स के लिए। मुझे ये पता है कि पिछले साल इंडिया वालों ने गली बॉय भेजी थी ऑस्कर्स के लिए और ये मूवी गली बॉय से बहुत ही ज़्यादा ऊपर स्टैंड करती है, और मैं आपको फुल रिकमेंडेशन दे सकता हूँ इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और हो सकता है आपको ये मूवी उतनी पसंद ना आए और हो सकता है आपको ये मूवी मुझसे भी ज़्यादा पसंद आए, तो ये आपके ऊपर है।
तो बस जाने से पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को फेस कैम बनाने वाला था, पर आखिरी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई मेरे DSLR के साथ और लाइटिंग आइटनिंग सही से आ नहीं रही थी। तो मेरे ख्याल से मैं अगली वीडियो पूरी कोशिश करूँगा फेस कैम बनाने की। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरी कमियों को भी बता दीजिएगा, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ और आप लोग बताते नहीं हैं वीडियो देखने के बाद भी। तो प्लीज़ बता दीजिए, और मुझे नहीं पता कि आप लोग पूरी वीडियो देखते भी हैं या नहीं। तो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर ही दीजिएगा। तो चलिए, गुड बाय।